हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द वीकली क्लास। स्टूडेंट, द टॉपिक सेल। इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी राइबोसोम, न्यूक्लियस, सेंट्रोसोम एंड क्रोमोसोम। दीज आर द फोर पार्ट ऑफ सेल विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द फिफ्थ पार्ट ऑफ द सेल। सेल का एक फिफ्थ पार्ट है जिसमें हमने फोर टॉपिक्स रखे, राइबोसोम, न्यूक्लियस, सेंट्रोसोम एंड क्रोमोसोम। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल राइबोसोम्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट राइबोसोम। स्टूडेंट, इन सेल देयर आर नंबर ऑफ किनी पार्टिकल्स आर प्रेजेंट विच आर मेड अप ऑफ राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल पाए जाते हैं जो कि सेल में पाए जाते हैं। ये साइटोप्लाज्म में भी पाए जा सकते हैं या माइटोकांड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में ये जो पाए जाते हैं उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब ये दो टाइप के होते हैं राइबोसोम। राइबोसोम को सबसे पहले पैलाडे नामक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। पैलाडे, उन्होंने खोजा था। और ये दो टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं सेवेंटी एस टाइप और दूसरे को बोलते हैं एट्टी एस टाइप। स्टूडेंट, एस जो इसमें लिखा रहता है ये स्वेडबर्ग कोफिशियंट, स्वेडबर्ग कोफिशियंट, इसीलिए एस रखा जाता है। ये यूनिट है राइबोसोम को, इसी में मेजर किया जाता है स्वेडबर्ग यूनिट भी। इस वजह से इसमें लिखा जाता है सेवेंटी एस या एट्टी एस या फोर्टी एस या सिक्सटी एस, डिफरेंट टाइप की। अब सेवेंटी एस टाइप के राइबोसोम जो पाए जाते हैं दे आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, माइटोकांड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। इन सेवेंटी एस राइबोसोम देर आर टू सब यूनिट, स्मॉल यूनिट इन्होंने थर्टी एस एंड बिगर यूनिट इन फिफ्टी एस। एंड इन एट्टी एस राइबोसोम स्मॉलर यूनिट इन फोर्टी एस, बिगर यूनिट इन सिक्सटी एस। एट्टी एस राइबोसोम साइटोप्लाज्म में पाई जाती है, सेल जो पाई जाती है वो सेल के साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। अब ये बनते कहाँ है? राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है, ये न्यूक्लियस है स्टूडेंट। न्यूक्लियस में एक गोल संरचना पाई जाती है राउंडेड स्ट्रक्चर, इसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। न्यूक्लियोलस में इनका फॉर्मेशन होता है। ये आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, क्योंकि आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए कहलाता है, तो राइबोसोम में राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है। और इस आरएनए का फॉर्मेशन यहीं पर होता है न्यूक्लियोलस में, इस वजह से ये न्यूक्लियोलस में बनते जितने भी राइबोसोम थे। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं सेल के लिए। अगर ये ना पाए जाए तो सेल के अंदर जो डिफरेंट टाइप की प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन नहीं बन पाएंगे। यानी प्रोटीन के बनाने के लिए ये मेन मशीनरी है, ये प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। जब ये प्रोटीन बनाते हैं तो ये एक साथ कई राइबोसोम आपस में जुड़े रहते हैं एमआरएनए के ऊपर। सपोज करिए कि दिस इज द एमआरएनए, ये जो मैंने बनाया है दिस इज द एमआरएनए, और इसी के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम इस टाइप से जुड़े होते हैं। उस समय इनको पाली राइबोसोम या पॉलीसोम कहा जाता है। इस टाइप से बहुत सारे राइबोसोम तो आपस में जुड़े होते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं पाली राइबोसोम या पॉलीसोम कह सकते हो। अब इसमें होता क्या क्या है, राइबोसोम है और एमआरएनए, जो लंबा सा मैंने दिखाया है इसको शो किया, दिस इज द एमआरएनए। एमआरएनए में कोड होते हैं, उन कोड को ये राइबोसोम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं,
और स्टडी करने के हिसाब से किस टाइप की प्रोटीन बनाना है, किस टाइप की प्रोटीन का फॉर्मेशन करना है, ये उसी के अकॉर्डिंग करते चले जाते। तो दिस इज अबाउट राइबोसोम। नाउ नेक्स्ट न्यूक्लियस। स्टूडेंट, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ये ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस सेल के अंदर एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, या बहुत सारे हो सकते हैं। यानी इनके अकॉर्डिंग, इनके आधार पर किसी सेल को यूनि न्यूक्लियट, बाई न्यूक्लियट या मल्टी न्यूक्लियट कहा जाता है। न्यूक्लियस का पाया जाना किसी भी सेल के लिए आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि न्यूक्लियस को कंट्रोलर माना गया है। अगर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है तो पूरे सेल में जितने भी कार्य चल रहे हैं, जितने भी फंक्शन हो रहे हैं, वाइटल एक्टिविटी हो रही, उनकी कंट्रोलिंग नहीं हो पाएगी, तो वो सेल बेकार हो जाएगी, उस सेल का लाइफ स्पान भी कम पड़ जाएगा। इस वजह से किसी भी सेल में न्यूक्लियस का पाया जाना जरूरी। अब न्यूक्लियस के पार्ट की स्टडी हम लोग करेंगे। जनरली ये न्यूक्लियस जो है साइटोप्लाज्म के सेंटर में पाया जाता है ताकि वो चारों तरफ से कंट्रोलिंग कर ले, लेकिन कभी कभी सेल के किनारे भी पाया जाता है और वहां से ही पूरी सेल की कंट्रोलिंग ये कर लेता है। यानी कंट्रोलर है तो इसको ऐसी जगह पर पाया जाता है, ऐसी जगह पर प्लेस दिया जाता है सेल के अंदर, ताकि वो हर जगह पर अपनी कंट्रोलिंग कर ले, हर ऑर्गन पर। अब इसके पार्ट कौन कौन से हैं? इसके पार्ट में सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जैसे द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि चारों तरफ से इसको न्यूक्लियस को घेरती है। ये डबल मेम्ब्रेन होती है, प्रोटीन और लिपिड से मिलकर के बनी होती है डबल मेम्ब्रेन। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में पेरी न्यूक्लियर स्पेस पाया जाता है, दिस इज द पेरी न्यूक्लियर स्पेस। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है, यह आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में पेरी न्यूक्लियर स्पेस पाया जाता है। अब इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच रहती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सेल के थर्ड पार्ट में आप लोगों ने पढ़ा रखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टम, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बाहरी जो मेम्ब्रेन होती है उससे अटैच है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम अटैच रहते हैं, दीज आर द राइबोसोम व्हिच आर अटैच ऑन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। ये तो हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर थोड़ी थोड़ी दूर पर देखो पोर्स पाए जाते हैं, दीज आर द पोर्स। इन पोर्स को बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। ये केंद्र के छिद्र होते हैं, इन्हीं पोर्स के माध्यम से साइटोप्लाज्म से कोई पदार्थ अंदर जाना है और न्यूक्लियस से कोई पदार्थ को बाहर निकलना है, तो इन्हीं पोर्स के माध्यम से अंदर बाहर सबस्टेंस आया जाया करती है। तो इन पोर्स की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है कि कुछ सबस्टेंसेज को साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में पहुंचाना है और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में पहुंचाना है, तो न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं, कई सारे पाए जाते हैं। उसके बाद अब अंदर के हिस्से में जब जाते हैं हम, तो यहाँ पर ये पार्ट पूरा जो एक लिक्विड भरा रहता है, मैट्रिक्स भरा रहता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। यानी जितना भी इसके अंदर मैट्रिक्स भरा हुआ है, ये सब क्वांटिटी मैंने शो किया है, दिस इज द न्यूक्लियोप्लाज्म। ये लिक्विड होता है एक प्रकार का, जैसे माइटोकांड्रिया के अंदर होता है साइटोप्लाज्म पाया जाता है, उसी टाइप से ये भी पाया जाता है, दिस इज द न्यूक्लियोप्लाज्म, ये बना हुआ है न्यूक्लियोप्लाज्म, इसको शो किया गया। अब इस न्यूक्लियोप्लाज्म में एक न्यूक्लियोलस होता है, गोल संरचना होती है, और ये क्रोमेटिन थ्रेड्स, क्रोमेटिन थ्रेड्स में कहीं कहीं पर डार्क कलर आपको शो कर रहा है, ये दिस इज द हेट्रोक्रोमेटिन, ये हेट्रोक्रोमेटिन वाला पार्ट। और जहां पर लाइट कलर शो कर रहा है, दिस इज द यूक्रोमेटिन पार्ट, यूक्रोमेटिन। यानी क्रोमेटिन दो पार्ट में पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर, एक हेट्रोक्रोमेटिन और एक यूक्रोमेटिन। अब इनके नाम क्यों दिए गए हैं? इनको जब कलर किया जाता है, जब इनको इनकी स्टेनिंग की जाती है क्रोमेटिन की, तो जो लाइट कलर लेता है, डाई कुछ होती है, उसे स्टेन किया जाता है, कलर किया जाता है, रंगा जाता है, तो उसमें जब हल्का रंग जो लेते हैं क्रोमेटिन उनको यूक्रोमेटिन, और जो डार्क कलर लेते हैं उनको हेट्रोक्रोमेटिन कहा जाता है। यूक्रोमेटिन पार्ट एक्टिव माना जाता है, इसी पार्ट से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, एमआरएनए बनते हैं, या जो भी फंक्शन कराए जाते हैं वो यूक्रोमेटिन पार्ट से होती है,
और हेटरोक्रोमैटिन पार्ट ऐसे ही पड़ा रहता है न्यूक्लियस के अंदर, इसे ही ये निष्क्रिय भाग होता है, इनएक्टिव पार्ट होता है, लेकिन कभी कभी इसका कुछ पार्ट कभी कभी सक्रिय भी हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, तो वो आवश्यकता पड़ने पर होता है, लेकिन जनरली इट इज इनएक्टिव इन द न्यूक्लियस और यूक्रोमैटिन इट इज द एक्टिव पार्ट। ये हो गया क्रोमैटिन। इनका निर्माण किससे होता है, बच्चे का किस चीज से है? इनमें डीएनए पाया जाता है, आरएनए हो सकता है, हिस्टोन प्रोटीने पाई जा सकती है, नॉन हिस्टोन प्रोटीने पाई जा सकती है, यानी फोर थिंग्स पाई जाती है, डीएनए, आरएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन, दीज आर द फोर थिंग्स व्हिच आर व्हिच मेड द क्रोमैटिन थ्रेड। स्टूडेंट न्यूक्लियोप्लाज्म में क्योंकि फ्लूइड भरा होता है, इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, वाटर, ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद रहती हैं। बहुत सारे राइबोसोम्स वगैरह भी पाए जाते हैं, हमारे लिए की कॉपी भी पाई जाती हैं, या डिफरेंट टाइप्स के राइबोसोम्स भी इसमें भरे रहते हैं, जो जब जरूरत पड़ने पर यहाँ से बाहर निकल सकते हैं न्यूक्लियर कोर के द्वारा। उसके बाद एक न्यूक्लियोलस नाम की एक संरचना पाई जाती है गोलाकार की, ये किसी भी मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होती, ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो चारों तरफ से इसको कवर किए रहते हैं। इसको डिस्कवर किया था फोंटाना ने, एक साइंटिस्ट थे फोंटाना, फोंटाना ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया न्यूक्लियोलस, और यहीं पर राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है। इसमें कुछ एक दो पार्ट होते हैं, फाइब्रिलर पार्ट होता है, ग्रेनुलर पार्ट होता है, दो पार्ट है, ग्रेनुलर पार्ट है, ग्रेनुल से बना होता है, यह फाइब्रिलर पार्ट होता है, फाइब्रिल से बना होता है, पतले पतले धागों से बना होता है। सो दिस इज अबाउट द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस को कंट्रोलर माना गया है, कंट्रोल कैसे करता है, न्यूक्लियस के अंदर ये जो क्रोमैटिन है इसमें क्योंकि डीएनए पाया जाता है, तो डीएनए क्या करता है, डिफरेंट टाइप के आरएनए बनाता है, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, आरआरएनए निकल करके तीनों प्रकार के आरएनए निकल करके साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं, और साइटोप्लाज्म में ये हमने बताया है कि एमआरएनए जब आता है तो कोड लेकर आता है डीएनए से, उसको पढ़ने का काम राइबोसोम करते हैं, राइबोसोमल आरएनए, और टीआरएनए जो पाए जाते हैं वो एमिनो एसिड को लाते रहते हैं, स्टेप बाय स्टेप क्रम से लाते रहते हैं, और एक प्रोटीन का फॉर्मेशन होता चला जाता है। यानी प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए तीन प्रकार के आरएनए जो इसमें पाए जाते हैं, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, वो तीनों प्रकार के आरएनए प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। अब जो कि राइबोसोम में राइबोसोमल आरएनए पाए जाते हैं, इस वजह से यही मान लिया जाते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस के साइट है, यहीं पर प्रोटीन सिंथेसिस होती है। नाउ नेक्स्ट, क्रोमैटिन जब सेल डिवीजन होने वाला होता है तो सेल डिवीजन के समय ये ऐसे जनरली तो ये पाए जाते हैं लंबे लंबे उसी में आपस में मुड़े होते हैं, नेट बनाए हुए, लेकिन जब सेल डिवीजन होना होता है तो ये सिमटते हैं, यानी सिकुड़ते हैं धीरे धीरे, तो सिकुड़ेंगे तो छोटे हो जाएंगे, लेकिन इनकी मोटाई बढ़ती चली जाती है, तब उनको बोला जाता है क्रोमोसोम, यानी क्रोमैटिन जो है यही आगे चल करके ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये छोटे होते हैं और मोटे हो जाते हैं, तब उनको बोलते हैं क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम को स्ट्रास बर्गर, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने खोजा था, स्ट्रास बर्गर, वाल्डेयर का नाम भी इसमें शामिल है, इनसे रिलेटेड है क्रोमोसोम से। तो क्रोमोसोम, क्रोमो मतलब होता है कलर्ड और सोम मतलब बॉडी, इनको कलर्ड बॉडी कहा गया क्योंकि ये स्टेन करने पर कलर ले लेते हैं, रंग लेते हैं कोई ना कोई। तो जब इनकी मोटाई बढ़ जाए क्रोमैटिन थ्रेड की, और मोटाई बढ़ करके ये छोटे हो जाए, तो उस समय इनको क्रोमोसोम कहते हैं। स्टूडेंट दीज आर द क्रोमोसोम, हियर वी आर गोइंग टू शो सम टाइप ऑफ क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम होते हैं जिनमें क्रोमोनिमेटा पाए जाते हैं, दो क्रोमोनिमेटा पाए जाते हैं, और जहां पर दोनों क्रोमोनिमेटा एक बिंदु पर जुड़े होते हैं उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर, दिस इज द सेंट्रोमियर। ये आर्म है, क्रोमोसोम के आर्म। अब क्रोमोसोम में जहां पर जनरली क्रोमोसोम जो पाए जाते हैं वो एक पेलकिल नामक मेम्ब्रेन से एक घिरे होते हैं, पेलकिल के आवरण से, इनवेलप से घिरे होते हैं, और
उसमें दो क्रोमोनिमेटर पाए जाते हैं, लंबे से चले आ रहे हैं और दोनों कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं, चिपके होते हैं। तो जिस बिंदु पर चिपकते हैं उसको सेंट्रोमियर बोलते हैं और वहीं पर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, वहीं पर थोड़ा हल्का तबक धता होता है। और उसके बाद दोनों क्रोमोनिमेटा के ऊपर छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी जगह पर क्रोमोमियर पाए जाते हैं, छोटी छोटी बोल संरचना है, बीट लाइक स्ट्रक्चर होती है जिनको क्रोमोमियर कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये है क्रोमोनिमेटा, यहाँ से ये अटैच है तो इनके ऊपर थोड़ी थोड़ी दूर पर इस टाइप क्रोमोमियर पाए जाते हैं। क्रोमोमियर अब क्रोमोसोम को ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेंट्रोमियर फोर पार्ट में बांट दिया गया, फोर टाइप के क्रोमोसोम बना दिए गए। अगर सेंट्रोमियर टॉप पर पाया जाए तो उसको बोला जाएगा टीलोसेंट्रिक कहा जाता है कि जब टीलोमियर क्रोमोसोम के टॉप पर पाया जाए, एक किनारे पर पाया जाए। दूसरा मेटासेंट्रिक कब कहेंगे, जब सेंट्रोमियर क्रोमोनिमेटा के बीचों बीच में पाया जाए, यानी इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा बराबर दूरी पर हो, तो इसे मेटासेंट्रिक बोला जाएगा इस क्रोमोसोम को। एक होता है एक्रोसोम, एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक कब कहा जाएगा, एक्रोसेंट्रिक तब बोला जाता है जब ऊपर से थोड़ा नीचे आ जाए सेंट्रोमियर, यानी बीच से बीच में ना पाया जाए, बीच में अगर पाया जाता तो मेटासेंट्रिक, अगर ये यहाँ पर ऊपर पाया जा रहा तो टीलोसेंट्रिक, और ऊपर से थोड़ा नीचे चला आ गया तो ये हो जाता है एक्रोसेंट्रिक। अब सब मेटासेंट्रिक क्या है, मेटासेंट्रिक का मतलब बीच में पाया जाना और सब मेटासेंट्रिक का मतलब बीच से थोड़ा हल्का सा किनारे हो जाए, हल्का सा हट जाए, तो इसमें ये एक तरफ की आर्म जो है थोड़ा बड़ी हो जाएगी और एक तरफ की आर्म थोड़ा छोटी हो जाएगी। इसमें भी आर्म बड़ी है एक तरफ की और दूसरी तरफ छोटी है, तो यानी एक एक्रोसेंट्रिक हो गया, एक सब मेटासेंट्रिक हो गया, और एक मेटासेंट्रिक और एक टीलोसेंट्रिक। तो दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। कभी कभी स्टूडेंट कुछ क्रोमोसोम में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी होता है, ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है जहाँ सेंट्रोमियर पाया जाता है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, और कहीं कहीं पर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी होता है और वहाँ से एक अलग से बॉडी लगी रहती है जिसको सैटेलाइट बॉडी बोलती है, सैटेलाइट बॉडी। तो जिन क्रोमोसोम में सैटेलाइट बॉडी पाई जाती है उन्हें सैट क्रोमोसोम कहा जाता है, और जिनमें सैटेलाइट बॉडी नहीं पाई जाती उन्हें नॉन सैट क्रोमोसोम कहा जाता है। नाउ फोर्थ पार्ट, फोर्थ टॉपिक दैट इज सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या है स्टूडेंट, न्यूक्लियस के किसी एक ओर एनिमल सेल में, स्पेशली प्लांट सेल में तो रेयर पाए जाते हैं, हो सकते हैं लेकिन एनिमल सेल में पाए जाते हैं स्पेशली सेंट्रोसोम। ये तारे के आकार के स्टार शेप एक संरचना होती है जो कि न्यूक्लियस के किसी भी ओर पाई जाए, और इसमें प्रत्येक सेंट्रोसोम के अंदर ये बने हुए हैं दो सेंट्रियोल जो देखने में टी के आकार के लग रहे हैं, उसको मैंने बड़ा करके दिखाया है इस टाइप। तो ये एक एक सेंट्रियोल है, एक पेयर ये है और एक पेयर ये है, यानी दो पेयर पाए जाते हैं सेंट्रियोल। अब अगर इनकी स्ट्रक्चर का देखा जाए तो इनका सेक्शन काटा जाए तो इनमें इस तरह की संरचना नजर आती है। इसमें ट्रिपलेट नलिकाएं पाई जाती है, थ्री थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, और नाइन प्लेसेस में पाए जाएंगे। नाइन प्लेसेस मतलब वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, तो नाइन ट्रिपलेट्स पाई जाती हैं, यानी नाइन नलिकाएं पाई जाएंगी ऐसे पतली पतली। इस टाइप देखने में आपको नली जैसी संरचना नजर आएगी इस टाइप, तो ये नाइन ट्रिपलेट्स है, तीन तीन की नलिकाएं होती है। जैसे इसको हमको सामने से देखना है इस तरह, तो सामने बिल्कुल बीच में एक हब होगा, बीच में
और इसी हफ्ते नलिकाएं होती हैं जो इनको जोड़े रहते हैं 90 फीट, और एक एमार्फस सबस्टेंस पाया जाता है, ये एमार्फस सबस्टेंस होता है, एमार्फस सबस्टेंस होता है जिसमें ये पूरा स्ट्रक्चर धसा होता है पाया जाता है। अब इनका कार्य क्या है, ये सेंट्रोसोम जो पाया जाता है न्यूक्लियस के कहीं पर भी पाया जाता है, इसका कार्य होता है सेल डिवीजन के समय। स्टूडेंट, सेंट्रोसोम का कार्य होता है सेल डिवीजन के समय। सेल डिवीजन कैसे होता है, जब सेल डिवाइड होने वाली होती है, सपोज कीजिए कि दिस इज द सेल, दिस इज द न्यूक्लियस, तो सेंट्रोसोम ये पाया जा रहा है, ये सेंट्रोसोम टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, यानी यहां से बीच से दो सेंट्रोल, एक सेंट्रोल इधर, एक सेंट्रोल इधर, और एक घूमते हुए चला आता है यहां इधर। यानी सेल डिवीजन के समय ये इसकी संरचना इस टाइप की हो जाती है, और इसी से निकलकर स्पिंडल फाइबर, ये देखो एस्ट्रल रेज है, निकल नहीं किरणें हैं जो एक से निकल करके दूसरी तरफ जा रहे हैं, और इन्हीं के बीच बीच में सेंट्रोसोम फंसे होते हैं। यानी जब सेल डिवीजन के समय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो उस समय इन क्रोमोसोम को बांधने का काम यही स्ट्रेस रेज करती है, स्पिंडल फाइबर ये धागे हैं जो सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं, और अगर ये ना पाए जाए तो ये क्रोमोसोम पूरी सेल में कहीं पर भी भग सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि ये पूरी सेल है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो चुकी है, तो ये क्रोमोसोम कहीं इधर जा रहे हैं, कहीं इधर जा रहे हैं, कहीं इधर जा रहे हैं, तो यानी इनका कोई निश्चित जो है प्लेस नहीं होगा, और जब तक निश्चित प्लेस नहीं होगा तब तक इनको डिवाइड कैसे किया जाएगा। टेलीविजन में तो क्रोमोसोम को डिवाइड किया जाता है, तो इस वजह से इनको बांधने का काम यही पाए जाते हैं, जो ये जो सेंट्रोसोम के पार्ट पाए जाते हैं, यही स्पिंडल फाइबर इनको पकड़ पकड़ करके यहां से सेंट्रोमियर से पकड़ती है, पकड़ करके लाके बीच में सेट कर देती है, यानी ये बीच में सेट है। अब इनको क्या किया जाएगा, इनको आधा आधा खींच लिया जाएगा, तो आधे क्रोमोसोम इधर चले जाएंगे, आधे क्रोमोसोम उधर चले जाएंगे, यानी इस तरह से ये क्रोमोसोम को डिवाइड कर दिया जाएगा। तो सेंट्रोसोम का फंक्शन सेल डिवीजन के समय होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर सेंट्रोसोम ना पाया जाए तो सेल डिवीजन नहीं होगा, लेकिन प्लांट के केस में वहां पर क्योंकि सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, तो वहां पर दूसरे टाइप से सेल डिवीजन में कुछ प्रोटीन बनती है, ट्यूबुलर प्रोटीन से मिलकर के संरचनाएं बनती हैं, वो इनका काम करती है। तो होता तो वही है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि एनिमल सेल में सेंट्रोसोम पाए जाते हैं, तो ये इनका मेन फंक्शन बन जाता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो स्टूडेंट, मुझे आई होप दैट आप लोग जो है इस पार्ट में, सेल के फिफ्थ पार्ट में राइबोसोम, न्यूक्लियस, सेंट्रोसोम और क्रोमोसोम, इनके विषय में काफी कुछ चीजें जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे। थैंक्स।